ये मोहम्मद कासिम कोई बात करना चाह रहे थे, बताइए क्या बात थी। मोहम्मद कासिम, हाँ हेलो जुबैर, ये नजर आ रहा है, स्लाइड आ रही नजर? हाँ स्लाइड में स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन वाली। अच्छा, ये पहले सेशन में कासिम, मोहम्मद कासिम कोई थे साहब, वो बात करना चाह रहे थे, हैं तो बात कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक इन द सेशन। एंड नाउ आई वुड लाइक टू शेयर विद यू द स्टैंडर्ड डेविएशन। इट डिफाइंस एज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। स्क्वायर रूट पता होगा सबको क्या होता है, तो इन द प्रीवियस एग्जांपल वेरियंस वाज 6, जहां पे हमने 56 को 9 पे डिवाइड किया था, वहां वेरियंस थी 6 आंसर था। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस। तो ये जो 6 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगी। तो ये इस तरह से हम वेरियंस निकाल के अगले स्टेप में उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट of 6, that is 2.45. this is standard deviation. percentile यानी कितने नंबर पे वो वैल्यू बनती है, ये बेसिकली परसेंटाइल होती है। फॉर एनी डाटा एट लीस्ट 70% ऑफ द मेजरमेंट्स डिफर फ्रॉम द मीन लेस देन ट्वाइस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कम अज कम 75% मेजरमेंट्स जो होती हैं वो मीन से डिफरेंट होती हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो उससे कम होती हैं। इसी तरह इन एनी डाटा एट लीस्ट 89% ऑफ द मेजरमेंट्स डिफर फ्रॉम द मीन लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो उससे कम और मीन से मुख्तलिफ होती हैं 89%। दैट इज जस्ट फॉर टेक्निकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी डाटा। फर्दर इसको हम आप ये नोट कर सकते हैं कि व्हेन द मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड टू द राइट। आगे इसकी डायग्राम है वहां समझ आ जाएगी, लेकिन इसको नोट जरूर करें। When the median is greater than the mean, the distribution is skewed to the left, and when mean, median, mode are equal, then the distribution is approximately symmetric. ये है skewness, symmetrical distribution. इस डायग्राम में आप ये देख रहे हो कि values और frequency, कोई value हेलो अगर आप, हाँ तो जब नहीं आ रही थी बोलना था ना कि आवाज नहीं आ रही। अल्लाह मियां थल्ले आ ते अपनी खलकत वेंद आ जा, ये आप सब के लिए शेर है मेरा। तो खामोशी से बैठ के क्या कुल्फियां खा रहे हो? अगर आवाज नहीं आ रही तो बोलो कि नहीं हां सर, आवाज आ रही है, उसके लिए कट की हो जाती है। सर साथ में नाटक का करेक्ट हो
समटाइम डिस्कनेक्ट हो जाता है पूछना था कि इसमें पॉजिटिव भी स्क्यूड होता है और नेगेटिव भी स्क्यूड होता है, तो फिर वो डायग्राम में दोनों को शो करना है। हाँ, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, आप अगली डायग्राम देखें, वहाँ पॉजिटिव भी शो होगा नेगेटिव भी होगा। अभी तो ये नॉर्मल है ना, अभी तो कोई स्क्यूनेस नहीं है। यस सर, आप देख रहे हो ये बेसिकली वैल्यू और फ्रीक्वेंसी है, आईक्यू की एक वैल्यू, दूसरा है सेट का टेस्ट है। ऊपर जो दोनों वैल्यूज लिखी हुई है ना, जहाँ मेरा कर्सर है, आईक्यू, आईक्यू मींस आप समझते हैं जो इंटेलिजेंस कोशेंट होता है उसकी वैल्यू है, और सेट का एग्जाम है स्टैंडर्ड एटीट्यूड टेस्ट, उसका स्कोर है। तो ये एक तरफ वो स्कोर, एक तरफ वो वैल्यू, इनकी जो डायग्राम बन रही है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सिमेट्रिकल है, यहाँ पे मीन मीडियन मोड जो है वो इक्वल है, कोई स्क्यूनेस नहीं है। ठीक हो गया, इस तरह की जो डायग्राम बनेंगी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह लें या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब अगली डायग्राम देखें तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। तो बस हम नूर मलक, आप सुन रहे हो बात मेरी? सर, यस सर, बिल्कुल सर, मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो इसमें देखें कि असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आ का मतलब है कि नेगेटिवली स्क्यूड, एंटी सिमेट्रिकल। तो ये जीपीए है और एमआईटी टेस्ट स्टूडेंट है, लेकिन ये नेगेटिव स्क्यूड है। जब नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो डायग्राम जो है वो राइट फ्रॉम, ये यहाँ नॉर्मल वैल्यू है ना, जहाँ फ्रीक्वेंसी आ रही है, यहाँ लाइन है जहाँ अब मेरा कर्सर है, इससे ये वैल्यू हट गई है, परे हट गई है। अगर इसको हम सेंटर में ड्रा करते तो यहाँ ड्रा होनी थी डायग्राम लाइन यहाँ। तो इसकी जो ये टॉप है पीक, इसको कर्टोसिस बोलते हैं, अभी आगे हम बात करेंगे। तो ये कर्टोसिस जो है ये सेंट्रल से परे चली गई है राइट साइड पे। तो दिस इज द नेगेटिवली सिक्योर्ड। अब हम अगली डायग्राम देखते हैं। तो वहां अगर नॉर्मल डायग्राम अपना ड्रा करते हम लाइन, तो वो यहाँ कहीं आनी थी जहां अब मेरा वो है कर्सर। इस सूरत में सारी की सारी डायग्राम जो है वो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन की तरफ झुक गई है, इट इज द पॉजिटिवली स्क्यूड। तो जो आपकी कर्टोसिस है सेंट्रल पीक कर्टोसिस, दैट इज अवे फ्रॉम द सेंट्रल लाइन या मीन वैल्यू एंड हैव बीन सिक्योर्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। तो sir, ये हाँ हाँ स्टार्ट, सॉरी सर, जो स्टार्ट से इस तरफ होगी वो जो है वो उसमें नेगेटिव हो जाएगी, जो उस तरफ है फ्रॉम माय साइड ये राइट बन रहा है तो उस हिसाब से वो पॉजिटिव हो जाएगी। Am I right, sir? मुझे क्या पता आप किस साइड पे हैं इस तरह नहीं है सर, ये सर एक मिनट इसको यूं समझें कि आप पेपर पे दो लाइन लगाते हो, एक हॉरिजॉन्टल एक लगाते हो वर्टिकल। यस सर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों आपस में जहां इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है ओरिजिन। और आप पेज आपके सामने है तो जो भी आपके सामने जिस तरह भी पेज होगा वो सबके साथ वो एक ही उसकी डायरेक्शन बनेगी। और वो डायरेक्शन कौन सी बन रही है, हर कोई अपने सामने स्क्रीन पे या पेज पे जब देख रहा है तो उसकी जो राइट साइड है उस इंटरसेक्शन पॉइंट से वो एक्चुअली ग्राफ के अंदर वो पॉजिटिव होती है, लेकिन डायग्राम उधर को झुके तो नेगेटिव, और उस सेंट्रल पॉइंट से लेफ्ट की तरफ जाए जो एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड है तो डायग्राम उधर को झुके तो स्क्यूनेस पॉजिटिव। ठीक हो गई, यानी वैल्यू जो है वो सेंट्रल पॉइंट के साथ जब ज्यादा आएगी तो पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर सेंट्रल पॉइंट से दूर चली गई है तो नेगेटिवली स्क्यूड। अब बात क्लियर है ज्यादा? यस सर, थैंक यू सर। हाँ जी, यस सर, थैंक यू। तो बस हम आपका हैंड अभी रेज है, कोई बात और है? सर ये बस इसी में करना था कि इसमें जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव करते हैं तो फिर इसमें भी हम मीन मोड और मीडियम जो है वो शो करते हैं। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, ये देखें हो रहा है इस डायग्राम में।
यस सर हो रहा है। तो कैसी बात है, आप जो सवाल करते हैं उसका जवाब अगली स्लाइड में आ रहा है, तीन दफा ऐसा हुआ है। यस सर थैंक यू सो मच। तो आप देखो यहाँ पे ये स्क्यूनेस तो है ना, और ये ऑलमोस्ट आप देखो कौन सी स्क्यूनेस है आप लोग बताएंगे। पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव सर पॉजिटिव। हाँ तो इसमें आप देखो कि मीन मीडियन और मोड की वैल्यू तो हम शो कर रहे हैं, नजर आ रही है कहाँ पे खड़ी है सर, राइट साइड पे आ रही है। हाँ अब हम देखते हैं कि जब मीन मीडियन मोड सारे बराबर हो तो जो बनती है डायग्राम वो इस तरह से पीक बनती है, सेंट्रल टॉप चला जाता है, ठीक है। तो अब ये के स्टैंड्स फॉर कर्टोसिस है, तीन वैल्यूज हैं। सबसे नीचे वाली जो डायग्राम ये देखो यहाँ जहां अब मेरा कर्सर है, हेयर के इज लेस देन 3, कर्टोसिस की वैल्यू कैलकुलेशन के जरिए 3 से कम निकले तो ये डायग्राम बनेगी, और ये बनती है बेल शेप डायग्राम, इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसको बोलते हैं प्लेटिकल्टेक, प्लेटिकल्टेक। इफ के इज लेस देन 3 द डायग्राम विल बी लाइक दिस, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नोन एज द बेल शेप डायग्राम, देन द नेम ऑफ कर्टोसिस इज प्लेटिकल्टेक। And if value of k is equal to 3, तो पीक तो उधर ही रहनी है लेकिन उसकी हाइट बढ़ जाएगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय वैल्यू ज्यादा इकट्ठी हो गई तो ये और बड़ी पीक बन गई, तो देन इट्स नेम इज द मीजोकल्टेक। और अगर k की वैल्यू 3 से ज्यादा हो जाए इसको बोलते हैं लेप्टोकल्टेक, ये मीनारे पाकिस्तान बन गया यहाँ पे इकट्ठा, ठीक हो गया। तो ये याद रखना है कि लेप्टोकल्टेक तब बनती है जब k इज ग्रेटर देन 3, मीजोकल्टेक कब बनेगी जब k इज इक्वल टू 3, और प्लेटोकल्टेक तब बनेगी जब k इज लेस देन 3। दैट इज ऑल अबाउट द कर्टोसिस। अ फ्यू वर्ड अबाउट द नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व कब बनती है, दिस इज द बेल शेप और नॉर्मल कर्व, वो जो पीछे बात कर रहे थे ना, ये देखें ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और इस जीरो से इधर को जाएं तो ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू है और नीचे जाएं तो वाई की नेगेटिव वैल्यू है। सो ये पॉजिटिव सेंटर है एक्स एक्सिस का, नेगेटिव इसका इधर आ रहा है, तो यहाँ अगर वैल्यू ज्यादा इधर होंगी तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, और अगर इस जीरो से वैल्यूज ज्यादा दूर होंगी डायग्राम इधर बनेगी जहां अब कर्सर है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूड होगा। लेकिन अगर ये सेंट्रलाइज है तो आप देख रहे हो कि ये बड़ी प्यारी सी बेल बन रही है, बेल शेप, इसको नॉर्मल कर्व कहते हैं। तो नॉर्मल कर्व कब होती है, जब स्क्यूनेस जीरो हो और कर्टोसिस की वैल्यू 3 हो। ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं और ये मैंने पूछनी है आप लोगों से मिड टर्म एग्जाम में कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच द डायग्राम इज नोन एज द नॉर्मल कर्व और बेल शेप। तो कंडीशन दो ही है, गप्पे नहीं लगनी यहाँ पे, स्क्यूनेस जीरो, कर्टोसिस के, देन द शेप इज द बेल शेप आर लाइक नॉर्मल कर्व। इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो ये है स्टेटिस्टिक्स में, F into x stands for frequent value of this and that is आगे sigma और फिर mu और ये सारी calculation, ये याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बता दिया। जी कासिम आप बात करना चाहते हैं बताएं। सर यही पूछना था कि ये mathematical formula तैयार करने हैं नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत जी सर थैंक यू, वो वैसे आपको हेल्प आउट करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे ना, थीसिस लिख रहे होंगे तो कंप्यूटर आपको बता रहा होगा कि इनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। थैंक यू सर। अच्छा आगे हम चलते हैं, मोर वर्ड्स अबाउट द नॉर्मल कर्व, ये याद रखना है जी सारा कुछ, और बहुत अच्छी तरह समझ लें जहां मसला है हैंड रेज करें। ये जीरो से लेके एक्स तक
ये किसी का बच्चा भी इसमें बोल रहा है तो उसको ये डायग्राम ना सिखाएं, अभी डर जाएगा, उसको कहें खेले। तो मैं माइक आपके बंद नहीं करना चाहता ताकि सुनूं मैं भी। जीरो से लेके एक्स तक ना टोटल वैल्यूज 100 बनती हैं, जमा करें इनको तो 100 नंबर आता है। आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व की वैल्यू है ये नीचे वाली ब्लैक लाइन के साथ टच कहीं भी नहीं हो रही, थोड़ा सा फासला बीच में इधर भी और इधर भी, और ये जितना ये ब्लू है इसकी वैल्यू कुछ और है, ग्रीन की अपनी वैल्यू है, रेड की अपनी वैल्यू है, और दोनों तरफ इक्वल नंबर्स हैं। तो ये 34 प्लस ये 34 ऐड करें तो क्या बनता है, 68%। ठीक है सर, 68। अब 47 ये बना और 47 ये बना, ये रेड प्लस ग्रीन मिला के बन रहा है, कहीं ये नहीं समझना कि ग्रीन वाला अकेला 47% है। 34 प्लस कितने करें तो 47 बनता है, 13। और 13 जमा करिए 34 में, 13 जमा करें तो 47 बनता है। इसका मतलब है ये जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया 13% है इधर और 13% इधर है, तो यहाँ ग्रीन प्लस रेड 47, ये भी ग्रीन प्लस रेड 47, 47 और 47 को ऐड करें तो क्या बनता है, 94। तो इसका मतलब है ये जो ब्लू एरियाज है दोनों के दरमियान वाला टोटल लेंथ कितनी बनी, कितने परसेंट, 94%। ठीक है, अच्छा अब ब्लू को भी मिला लें, रेड ग्रीन प्लस ब्लू टोटल, तो आप आखिरी बात सही तरह सुने ना, कहने का ये मतलब था ये जो इनफेक्ट सर वो थोड़े जी सर, अब मैं रिपीट कर दूंगा। अब देखें 49 बनेगा तीनों कलर मिला के, ब्लू ग्रीन रेड, इसी तरह इधर ब्लू ग्रीन रेड, 49 प्लस 49 कितना हुआ है, 98। इसका मतलब है कि 1% यहाँ ये जो ग्रे एरिया पड़ा हुआ है और 1% इधर है ग्रे एरिया पड़ा हुआ। 1% का मतलब ये है कि 100 में से 1 के चांसेस हैं कि वैल्यू यहाँ फॉल कर सकें, और वो अगर करें तो वो इग्नोर हम कर सकते हैं, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है कि इतने चांसेस हैं वैल्यू के यहाँ फॉल कर सकें, इसीलिए पीछे जो लिखा हुआ था अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ था, 3 लाइन लगाई हुई थी, एग्जैक्ट 2 नहीं लगाई थी, 2 लगाई होती तो उसका मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल का मतलब है कि चलें कुछ फर्क के साथ। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी एरिया, ग्रे एरिया, जहाँ पे 1% आ सकती है। अब मैं रिपीट करता हूँ इस तरह से कि आपका जो रेड एरिया है वो 34% है, ग्रीन जो है वो 13% है, और जो ब्लू एरिया है वो 49 से माइनस करें 47, 2% आता है, 34, 13, 2, और ये हुआ 1। ये मिला के इधर वाला 50 हो गया और इधर वाला सारा मिला के 50 हो गया। तो इसको कहते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, डेटा वैल्यूज है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यूज आर डेटा इज, जब इसको हम मैनेज करते हैं तो दिस फॉर्म द नॉर्मल कर्व, दिस कर्व इज नोन एज द नॉर्मल कर्व एंड आल्सो डिनोटेड बाय द बेल कर्व। बेल कर्व क्यों है कि इक्वल हैं दोनों तरफ डाटा की वैल्यू, अगर 37% इधर है तो 34% इधर है, अगर 47 इधर है तो 47 इधर है, 49 इधर है तो 49 इधर है, 2%, 2%, 13%, 13%, 1%, 1%। अब ये 1% भी कोई उठा के दूसरे तरफ डाल दें तो वो स्क्यू हो जाएगा, अभी इक्वल है ना, तो कोई एक वैल्यू, कोई एक वैल्यू दूसरी तरफ चली जाएगी तो उस तरफ को स्क्यूनेस हो जाएगी। अगर इधर वाली वैल्यूज इधर ज्यादा हो जाएंगी जहां कर्सर है तो ये
नेगेटिव स्क्यूनेस हो जाएगी, और अगर इस साइड वाली वैल्यू जहां कर्सर है ये उठ के अब जहां कर्सर है इस साइड पे आ जाए तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस हो जाएगी। ये जो लाइन है ये नॉर्मल लाइन है और यहाँ मीन वैल्यू फाइल कर रही है, मीन वैल्यू सेंटर वाली ब्लैक लाइन 30 दोनों रेड के दरमियान में जो आ रही है, इस लाइन को नॉर्मल लाइन कह सकते हैं। नॉर्मल लाइन इसलिए कहते हैं कि यहाँ मीन की वैल्यू आती है। अब मीन के साथ ये है स्प्रेड, रेड स्प्रेड दोनों तरफ इक्वल है, फिर ग्रीन स्प्रेड इक्वल है, ब्लू स्प्रेड इक्वल है, तो दिस इज द कहीं मीडियन मोड, मीडियन जो है डिफरेंट है, मोड डिफरेंट है, तो ये इनकी मीन से दूरी, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाली थी ना वो हमने पहले मीन निकाला, मीन की वेरिएंस निकाली, वेरिएंस का स्क्वायर लिया, स्क्वायर को ऐड किया, ऐड करने के बाद उसको डिवाइड किया हमने मोड पे, और जो वैल्यू आई अंडरस्कोर लिया, अंडरस्कोर लेने के बाद जो वैल्यू निकली हमने कहा वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। ऐसा ही है, अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन है मीन, मीन ये सेंटर में और बाकी ये वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इस डायग्राम से आपको ये भी पता चलता है कि मीन कहाँ फॉल करता है और स्टैंडर्ड डेविएशन किधर होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर अगर उसकी वैल्यू के की 3 से लेस हो गई तो ये शक्ल बनेगी जो अभी बनी हुई है, और अगर के उसे हम कहेंगे प्लेटी कल्टोसिस, और अगर वो वैल्यू के इक्वल होगी तो शक्ल की कुहान ज्यादा निकल आएगी और हम कहेंगे ये है मीजो कल्टोसिस। और इंप्रोवाइजेशन करती है दुआ, इंटेलिजेंट बच्चा है, गुला है गुला। हजूर सानू ना सुनाओ केड़ा इंटेलिजेंस बच्चा है, इनू माइक बंद कर लो। अच्छा फिर अगर के की वैल्यू ग्रेटर आ जाए 3 से तो वो बन जाता है लेप्टोकल्टक, यानी हाईएस्ट पीक। तो इस डायग्राम से मैंने 3-4 बातें आपको समझाई हैं, मीन मीडियन मोड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस पॉजिटिव स्क्यूनेस नेगेटिव स्क्यूनेस, कल्टोसिस की तीनों शेप्स। तो पीछे जो हम सारा सम अप करते आए थे यहाँ आके हमारा ये खत्म हो गया। तो आपके पास अभी चंद मिनट्स हैं, आपने इस पे कोई क्वेश्चन करना है, कोई कमेंट करना है अगले सेशन से पहले पहले तो आप प्लीज जरूर करें। यस सर जी, सर दिस इज साजिद इकबाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साजिद। सर ये सामने जो डायग्राम है इसके अंदर हमने मेन को डिनोट किया है जो रेड कलर है 34% है दोनों साइड पे, और हमने यहाँ पे जब मीन के अलावा मोड है या मीडियन है उसे किस कलर से डिनोट करेंगे? हाँ वो वैल्यूज होंगी ना, अगर मोड वैल्यू मीडियन हम कहते हैं कि सेंट्रल वैल्यूज को लेना है। यस सर, जो दो सेंट्रल वैल्यूज आएंगी उनको ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो ये दोनों रेड को आप ऐड करें 2 पे डिवाइड करें तो ये मीडियन का स्प्रेड आ जाएगा, ग्रीन तक का आ जाएगा, ब्लू का आ जाएगा। इसमें मीन मीडियन मोड को आप अलग कर दें क्योंकि सारे एक जगह पे आ रहे हैं, ये जो सेंट्रल लाइन है ना। यस, जहाँ अब मेरा कर्सर है यहाँ पे मीन भी इधर है, मोड भी इधर है, मीडियन भी इसी पॉइंट पे है। ओके सर, ओके। यही वजह है कि ये जितना सर हम मीन मीडियन मोड से दूर होंगे उतना वेरिएशन बढ़ता चला जाएगा क्या? यस, हाँ वेरिएंस बढ़ेगी और शेप जो है वो स्क्यूड हो जाएगी। स्क्यूड हो जाएगी, ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम सर। अभी असाइनमेंट का जिक्र हुआ था, हाँ सर, उसके बारे में ये पूछना था कि मेरा CMS अकाउंट में वो सर्विसेज इनएक्सेसिबल आ रहा है, एक्सेस डिनाइड, तो वो ऑप्शन भी नहीं होगा फिर सबमिट वगैरह, तो आपका कोई ईमेल एड्रेस अगर आप प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू? नहीं नहीं, आप अपना CMS वहां से एक्टिव करवाएं, उन्हें कह के यूनिवर्सिटी वालों को, तो वो उधर ही होगा, इस तरह ठीक नहीं, वो कर देंगे। आप ना IT वालों से कहें, HOD से कहें, ठीक है जी सर। हाँ जी, और क्वेश्चन कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर कर्टोसिस की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? आप अपना तारफ भी तो कराए ना, नाम बोलते हैं सर। यस सर, आई एम स्मीना। अच्छा, अपना एक तो ये है कि जब आप क्वेश्चन करें तो अपना वीडियो भी ऑन किया करें। अच्छा जी, कर्टोसिस की एग्जैक्ट डेफिनेशन, कर्टोसिस इज द सेकंड नेम ऑफ पीक। पीक तो पीक का लेवल क्या है? लेप्टो, मीजो और प्लेटो। प्लेटो, लेप्टो, मीजो, तो वो वैल्यू उसका सेंट्रल वैल्यू 3 है, उससे वो रिलेट करती है। जी सर, दूसरी बात मैंने ये पूछनी थी आपसे कि जो हमारा वीक 4 में जो आपने हमें कमेंट्स लिखने थे हमने डिस्कशन बोर्ड पे, तो वो मेरा पेंडिंग आ रहा है अभी। अच्छा चलें उसको चेक कर लेते हैं, लेकिन अभी मैंने उस पे सेकंड भी डाल दिया है डिस्कशन बोर्ड पे, कुछ और डाला हुआ है। हाँ जी, उस पे भी। एंड सर जो आपने पेपर के हवाले से हमें बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 10 मार्क्स के होंगे या एमसीक्यूज 10 मार्क्स के होंगे? नहीं, इस तरह ना करें, एक बात को सारा दिन नहीं करते रहते। मैंने स्टार्ट में बड़ी डिटेल में 15 मिनट उस पे लगाए हैं, अब मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। ये जीआर से मैंने कहा था दो लोगों से कि वो नोट कर लें, फिर सबको शेयर कर देंगे। ओके सर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहां भी लिखा हुआ क्या करना है। जी रिगार्डिंग दिस लेक्चर आप बात करें कोई और भी। हेलो सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, इट्स हुमैरा। यस, इट्स नहीं, दिस। हेलो, यस सर, दिस इज हुमैरा। आप जानदार हो, बेजान नहीं हो। जी सर। हाँ जी बताइए सर। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे ये बेल शेप में जो हमारे पास सामने डायग्राम है, ये न्यूट्रल है, मींस इसमें वेरिएंस जो है वो इक्वली आ रही है, 34%, 49% एंड 47%। सर जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव पीछे डायग्राम थी कि जिसमें जो था जो एक्स जो 0 point से अगर लेफ्ट साइड पे होता है या राइट साइड पे होता है, सर उसमें फिर वेरिएंस इसी तरह से परसेंटेजेस की भी आ जाएगी, डिफरेंट आ जाएगी, क्योंकि जहां डिफरेंट, हां जी, कर्टोसिस होगा वहीं पे जो है वो पीक पे जाएगी, और जहां पे जो है वो नीचे को शेप जा रही होगी वहां पे परसेंटेज भी गिरती जाएगी। डेफिनेटली जब वो डिफरेंस होगा तो अपना स्क्यूनेस होगी ना, अगर डिफरेंस नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं होगी। वेरिएशन ही यही है ना कि चेंज है, तो चेंज की बुनियाद पर डायग्राम जो है वो फिर स्क्यूड होगी, नॉर्मल नहीं होगी। अभी तो नॉर्मल है ना। जी ये हैंड रेस किया है किसी ने, बताइए। हाँ तो बस नूर। यस सर, वो वही हमारे ने जमात की है, उसका मैं आंसर देना चाह रही थी कि इसको हम हैवी टेल्ड और लाइट टेल्ड भी कह सकते हैं ना। यस, जैसे वो नेगेटिव करें करें बात, आप मुझे लग रहा है कि आपको माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग है। हाँ ये सर, वो जैसे हम उसको कह रहे थे ना स्क्यूड है, नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो इसमें ये कर्टोसिस में हम जो है ना इसको लाइट टेल्ड और टेल्ड भी हैवी टेल्ड के से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, गुड। और वो पूछ रही थी समीना, इसकी डेफिनेशन है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि कर्टोसिस इज प्रैक्टिस ऑफ बीइंग फ्लैट और पीक, जैसे आपने पहले बताया है। तो ये एक मेजर है, मेजरमेंट है, मतलब डेटा के बारे में ना मेजरमेंट की जाती है कि डेटा जो है ना वो लाइट टेल्ड है या हैवी टेल्ड है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी। ठीक, ठीक, गुड, थैंक यू, थैंक, वेलकम सर। हाँ जी और कोई? ठीक है, आप लोग खुद नहीं बोलते तो मैं पूछता हूँ, अब मैं क्वेश्चन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। हु इज दिस? सर दिस इज आमना परवेज। जी बताइए। बोलिए सर, जो आपने बताया था जिसमें, हाँ हेलो सर, मैं सुन रहा हूँ भाई, बोलो सर। आपने, जी जी सर, सर आपने फर्स्ट सेशन में डाटा, स्टेप्स ऑफ डाटा एनालिसिस बताया था, जिसमें डाटा समराइजेशन जो हमने कर लिया, फिर डाटा विजुअलाइजेशन था। सर ये सब स्टेप्स हैं ग्राफ के जिसमें डाटा विजुअलाइजेशन है, ये सब? ये आपको डाटा विजुअल हो तो रहा है यहाँ पे? यस सर, सर क्योंकि ये तब क्वेश्चन पूछा था तो आपने कहा था ये नेक्स्ट में मतलब इसका बताएंगे डाटा विजुअलाइजेशन। हाँ तो बस यही मैंने आपसे कंफर्म। आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को?
तो बस सुन सर, बस कंफर्म ही करना था कि यही है ना सब जो डाटा विजुलाइजेशन के स्टेप्स हैं, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जी हाँ यस सर, वो इसके अलावा वैसे और हैं, लेकिन आपने यही कहा था कि हम लोगों ने जो डिस्कस करने हैं वही असाइनमेंट में होंगे और वही सिलेबस में होंगे। हाँ वो तो लॉट ऑफ मेनी अदर बहुत सारे हैं ना, तो सर इसमें मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी भी है जिसमें रेंज आ जाती है, वेरियंस आ जाता है, वो तो सारा इसी में आ गया ना, स्क्यूनेस में भी आ गया। जवेरिया जमील अपना माइक ऑन करें। राहत इसहाक, अच्छा ये जो अटेंडेंस ले रहे हैं ना ये नोट करें, जिनको मैं नाम लेता हूँ माइक ऑन नहीं होता तो आपने आगे कोई ये मुझे बताना है इन्होंने बात नहीं की। ऐसा तो नहीं है ना कि 50-60 की क्लास है तो 5 लोग बोलते रहे, बाकी क्या फीस नहीं जमा कराई हुई बाकियों ने। तहमीना शफी, सर जी सारी समझ आ गई आपको? जी सर। नेगेटिव स्क्यूनेस कब होती है? नेगेटिव स्क्यूनेस सर जब हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ आप बात करें। हेलो बोले बोले सर, ये तब नेगेटिव जो स्क्यूनेस है वो तब होती है जब टेल जो होती है वो लेफ्ट साइड पे होती है। नहीं ऐसा नहीं है, आप मीन मोडियन मोड के बारे में बताएं कि जब मीन और मीडियन का डिफरेंस क्या है, क्या किससे बड़ा होता है। एक स्लाइड हमने पढ़ी है ना कि मीन जब किसी से बड़ा होगा तो ये स्क्यूनेस होगी, उसकी वैल्यू कम होगी तो ये स्क्यूनेस होगी। उस लैंग्वेज में बात करें, फैक्ट्स की लैंग्वेज में बात करें ना। जी अमरीना है कोई, आप दरान म्यूट करें अपना। अमरीना हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। इस डायग्राम का नाम क्या बार बार मैं बोल रहा हूँ बताएंगे आप? सर इसे नॉर्मल कर्व भी कहते हैं और आपने कहा इसे बेल शेप कर्व भी कहते हैं। अभी आपकी एक पार्टिसिपेंट क्लास फेलो है, उन्होंने इसका एक और नाम भी बोला था, वो क्या बोला था? तो वो हैवी टेल्ड और लाइट टेल्ड बोल रही थी। तो उस बात की आपको समझ आ गई है कि टेल यहाँ कौन सी है? नहीं सर, जो उन्होंने बात की थी वो टेल वाली बात समझ नहीं आई थी। तो पूछना था ना, एक रेलेवेंट बात है, मैंने वेट किया कि हाँ आप ठीक कह रही हैं, तो अगर आपको समझ नहीं तो आप पूछें कि जी ये क्या टेल होती है बताएं हमें। सर वो आपने जिस सेंस में बताया उस सेंस में समझ आ गई, लेकिन उनकी बात की चले आप सेंस हमें बता देना। गुलाम शबीर, हेलो। यस सर। जी गुलाम शबीर बोलिए, बात शायद समझ आती है या बस? जी सर आ रही है सर जी। अच्छा ठीक हो गया। अली इमरान, अदील अयूब। जी सर अली इमरान सर है। ओके क्लियर है चीजें? जी सर यू आर डूइंग वेरी वेल सर, थैंक यू। अदील अयूब आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह काफी क्लैरिटी हो रही है। चलें दैट्स गुड। अच्छा कितने मेल लोग हो यार आप? ये एक हैं शकीला आस मोहम्मद, हेलो। नहीं है हनीफ साहब, यू आर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। Sir, you are doing fine, sir. The things are easy. We'll just need to revise and we'll be able to understand, sir.
इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे आप सब पे पूरा एतवाद है कि आप इसको जरूर रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे और आपको समझ आएगी। सर द वे यू कन्वेड अस दिस डायग्राम एट द परसेंटेज एंड द यू लेट फॉर अस इट हैड बीन वेरी इजी फॉर अस एंड इंशाल्लाह होप सो बड़ा अच्छा रहेगा ये इवन के कुछ जैसे स्टूडेंट्स जो लेक्चर के हैं तो ये बड़ा अच्छी हमें कन्वे हुआ है होप सो के कोई मसला नहीं। अच्छा एक मेरा मैसेज आप सब के लिए कि आप जब लॉग इन होते हैं ना तो अपने नाम के साथ अपना रोल नंबर जरूर लिखें, मुझे वो अटेंडेंस लेने में मसला होता है, काफी टाइम मुझे लग जाता है अटेंडेंस डिक्लेयर करने में, तो मुझे हेल्प आउट करें, अपना प्यारा सा नाम और अपना रोल नंबर साथ लिखें ताकि आसानी हो जाए मुझे वहाँ मार्क करने के लिए। तो अगले सेशन में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि आपको, मैं समझता हूं कि इतना कुछ सीखने के बाद आप एक एक्सपर्ट बन गए हैं, एज एन एक्सपर्ट वो क्या क्राइटेरिया है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जिनको सामने रखते हुए आप किसी की रिसर्च को रिव्यू कर सकें, किसी आर्टिकल को रिव्यू कर सकें। कोई आपको एक पेपर दिया जाए कि ये रिसर्च पेपर है, ये थीसिस है, देखें जी, तो वो क्या क्राइटेरिया होगा जिसकी बुनियाद पर आप कुछ बता सकेंगे कि ये अप टू मार्क है या नहीं। बेसिकली वो क्राइटेरिया मुझे आपसे शेयर करना है, आपको बताना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर अब फर्दर डिस्कशन करेंगे। जुनैरा जहूर यहाँ सामने नाम आ रहा है जी, प्लीज आप बताएंगे आपको ये क्लैरिटी है इन बातों की जो आज हमने की है। अल्लाह अकबर, पता नहीं क्या करते हैं भाई आप लोग। मेहरुन नसा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। सर क्लियर है, साल क्लियर क्लियर है, बड़ी अच्छी बात है, दैट्स गुड जी सर। यास्मीन ताहिरा, वालेकुम अस्सलाम, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, एनी कमेंट? क्लियर है। शाजिया मकसूद, दोबारा बात करें जी, जी बताइए जी सर, क्लियर है? सब क्लियर है। मीन का बताएं फार्मूला क्या होता है, मीन कैसे निकालते हैं? सर नंबर्स को जमा करके उनकी तादाद पे तकसीम किया जाता है तो हमारे पास मीन आ जाता है। वेरी गुड, ठीक हो गया। ये सितवत कोई नाम है जी, अभी एंटर हुई है क्लास में, सितवत। हेलो हेलो, सितवत। रिदा इकबाल, यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रिदा आपको क्लैरिटी है चीजों की? जी सर। मोड की क्या डेफिनेशन है, मोड क्या होता है? सर जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर होता है उसको हम मोड डिनोट करते हैं, मतलब वो मोड होता है। ठीक है ठीक है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही हो वैल्यू। ठीक हो गया। राहत इसहाक,